अल्लाह भी ख्याल रखना, ठीक है। मीटअप जो है वो अच्छे से हमारा इंशाल्लाह कर रहे हैं भाई अपने ग्रैंड मीटअप के लिए, जो कि हमारे ही रिजॉर्ट पर है, हमारे ही रेस्टोरेंट पर है। फ्लाइट डिले है हमारी, हमें तो अभी पता 6:30 से। अबे हैवी ड्राइवर, वेलकम वेलकम। ये तो ठंड लग रही है। अबे सबको एक जगह जमा कर लिया है और अब है बारी एक चीज की जो कि सरप्राइज था। छोड़ दो, उठाना है इसको, जाने वाला ही। नहीं अभी नहीं जा रहा, अभी 2 घंटे हैं, मतलब तो सोने देना, थोड़ा सा नींद पूरी हो जाएगी उसकी। उठाऊंगी मैं से। उठा। भाई सुबह जो है ना फरिया आ गई है, बोलिए बासुल को उठाऊंगी मैं और ये चले जाएगा, तो इससे पहले मैं इसको पप्पे शप्पे कर लूं बहुत सारे। उठ गए हो भाई, चलो फटाफट नहा लो, वहाँ पर तो पूरे 3-4-5 दिन तो नहाना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। घर का नाश्ता क्या मिल रहा है आज? फिर तो रेस्टोरेंट से ही खाएंगे अपने नाश्ता रोज। तो हो गया नाश्ता रेडी, फटाफट से करते हैं नाश्ता। आ गई है जोया और अपने साथ एक अदद बड़ा सा बैग लेकर आई है, तो हमारे पास टोटल 3 बैग हो गए, 1, 2, 3 और भी तो बैग, 4, 5, 6। कुछ कहना चाह रही हूँ, इसमें बासिल के 20 पैंपर है, जबा पी की चीजें आधी से ज्यादा। जबा पी आके सारी चीजें मेरे बैग में ठूस दी। जबा पी आके बासिल की चीजें इसके बैग में भी। भाई बासिल के कितने बैग बने? 1, 2, 3, 4। भाई सारे तो रेडी हो गए, बस फटाफट से मैं भी रेडी हो जाता हूँ। 1, 2, 3 हो गया हूँ मैं बिल्कुल में रेडी। यहाँ पर फरिया जाने लगी है भाई ट्यूशन। फरिया ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया है ट्यूशन? महीने हो गए होंगे, 6-7। 6-7 महीने बाद ज्वाइन किया। बाय बाय, और आप जल्दी आ जाना, बस डन हो गया। कितना रो रहा है ये मॉम। चलो चले भाई, बस दुआ करना कि मीटअप जो है वो अच्छे से हमारा इंशाल्लाह कर रहे हैं भाई अपने ग्रैंड मीटअप के लिए, जो कि हमारे ही रिजॉर्ट पर है, हमारे ही रेस्टोरेंट पर है, बट सिटी कोई और है जहाँ पर मैं कभी कभार जाता हूँ, क्योंकि मैं उस सिटी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं तो कराची से करता हूँ ना। तो बस लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है दूसरी सिटी। 2 ही बैग आ रहे हैं भाई पीछे, और 1 बैग जो है ना आगे रखना पड़ेगा। जगह है इधर क्या? इस गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 ही बैग आ सकते हैं मैक्सिमम। सुबह चलते हैं सफर के लिए। सुबह निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और लारिफ से मैंने पूछा कि भाई किधर हो, तो वो बोल रहा है कि मैं भी एयरपोर्ट पे पहुंच रहा हूँ, साथ ही जो है ना बोर्डिंग करवा लेंगे। अच्छा भाई, पहले जो प्लान बन रहा था ना वो भैया और मेरा बना था बाय रोड जाने का, लेकिन बाय रोड में ना काफी ज्यादा जो है ना वो हर्डल्स आने की वजह से मैं बाय रोड नहीं जा रहा। भैया का अभी तक प्लान समझ नहीं आया भैया को कि भैया बाय रोड आएगा या बाय एयर आएगा या क्या करेगा, इसने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो फिर जाएंगे बाय रोड का, हर्डल्स है ना काफी, फॉग बहुत है, मोटरवे बंद है, दूसरा के एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, तो ये पापा तो मना करेंगे। मैं हूं ना। अबे क्या तुम सुपरमैन हो क्या? तो गाइस ये सीन है, तो भैया का अभी तक कंफर्म नहीं है, तो भैया देखेगा क्या सीन बन रहा है इसका। पहुंच गए एयरपोर्ट। मिल गए। क्या हुआ? फ्लाइट डिले है हमारी, हमें तो अभी पता 6:30 से। पेशावर की है और जा रही है 3:30। और भाई क्या हो गया? जिन लोगों की नंबर अपडेट है ना टिकट्स को, उन लोगों को सबको मैसेज हो गया, हमें तो नहीं आया। नहीं आया। हमने ऑनलाइन करवाई थी टिकट्स, किसी एजेंट के थ्रू नहीं कराई, ऑनलाइन खुद से करा। अपना नंबर अपडेट किया था उसमें, किया था तो आया होगा आपको, नहीं आया। तो है फ्लाइट का 6:15। तो भाई अभी चाइनीज मैन के साथ पिक्चर होने लगी हमारी, और खुशामदीद है इनका, चाइना से पाकिस्तान आपके लिए। यार मेरी पूरी लाइफ में जो है ना, मेरे ख्याल से ये सेकंड टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम मेरे साथ इंटरनेशनल में हुआ था, अब सेकंड टाइम हुआ गाइस ये कि हमारी फ्लाइट हो चुकी है काफ़ी डिले, और मुझे लग रहा है कि ये मेरे साथ डोमेस्टिक में इसलिए हुआ है ये शख्स की वजह से, क्योंकि इसके साथ अभी रिसेंटली हुआ था, अब भी हुआ है। नहीं है पता, वैसे जो मेजर रीजन सारे डिलेस का है फॉग। फॉग है ना, तो वो ये लोग केटर नहीं कर पा रहे हैं, इनको चाहिए कि इतना लोग क्वार्ड नहीं कराए, एटलीस्ट नोटिफिकेशन दे, हम में से कोई मेंटली प्रिपेयर नहीं था, मैं तो लौड़ लगा था। और मुझे लगता है ये बता रहे हैं कि जो आपका जहाज था ना उसी जहाज को, हाँ उसी को लाहौर लेके जा रहे हैं, वरना हम तो ऑन टाइम है, क्योंकि पेशावर में इतनी फॉग नहीं है। पेशावर के पसंदे सब एक ही जगह इकट्ठे हो उनके लिए लंच। आ जाओ लंच करें। मैंने उसको सुला के नहीं लाई कि जहाज में सुला दूंगी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। इससे बेसिक ब्लंडर ये कि ना किसी को नोटिफिकेशन, ना ईमेल, ना एसएमएस आया, एटलीस्ट नोटिफाई तो करें। उनका कहना ये है कि हमने
चलें एक जहाज में 70 लोग 80 लोग खड़े हुए, जगह भी तो देना, बैठने की जगह भी नहीं दे रहे, तो जो खड़े हुए उनकी कोई वर्थ नहीं है आपकी नजर में। खाना थोड़ी खाना खुद भी खा लेंगे, बिठाए ना, एटलीस्ट बच्चे चिढ़ रहे हैं सबके साथ, बिल्कुल टेंट स्टेशन हुआ है। तो भाई बड़ी जद्दोजहद के बाद फड्डे फसाद के बाद हमें मिल चुकी है गाइस, बहुत फड्डा हुआ है इस बोर्डिंग के लिए। लिटरली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया यार, क्या मैं फट्टे दिखाऊं ब्लॉक के अंदर। लड़ाई हो गई थी भाई बहुत ना, समझ लो कि ऐसा माहौल हो गया था कि आपको लग रहा था जंग होने वाली, सब स्टाफ की और क्लाइंट। 4:10 पे हमें बोर्डिंग पास मिली है। अभी फ्लाइट का भी कंफर्म नहीं है कब है, क्योंकि इधर गेट नहीं लिखा कि कौन से गेट से फ्लाइट जाएगी। तो ख्वारी पार्ट टू, एक ख्वारी उधर थी बोर्डिंग के टाइम, अब है जहाज तक की। तो हमें काफी भूख लग गई है भाई, चलते हैं कुछ खाते पीते हैं वहाँ पर। ये कुछ बर्गर शर्गर मिल रहा है, सो लेट्स गो। देख लो भाई क्या खाना है। सुबह आ चुका है बर्गर, ये बोलता ही रहता है। हमें बोर्डिंग पास लेट मिले, वो लोग जा चुके हमसे पहले। आज फ्लाइट इन्होंने धोखा कर दिया गाइस, बहुत डिले करवाया फ्लाइट। अभी तक हम पिशावर में होते और सवाद के लिए रवाना हुए भी होते। किधर है, किधर है, किधर है 5AB? अरे अरे अरे, हाँ। तो भाई सभा को विंडो सीट मिल गई है। पहले हम लोग पे तो सीट कैसे थी, हाँ। ये हमारी बोर्डिंग पास चेंज हुआ है, हाँ। पहले यू लाइन से हमारी सीट थी सारी, 3 इधर 2 उधर। वो किससे बात कर रही हो? पापा से। सच में? हाँ। इससे बात हो रही है सच में? हाँ ना, सही। देखो ना, कॉल अभी कट करी मैंने, मम्मा को भी करी, पापा को भी करी, सबको कॉल करी, 2 से में डाल के लाई हूँ उसमें में। तो यूजफुल है। हाँ ना। तो गाइस बासिल जो है ना एयरपोर्ट पे सो गया था 2 घंटा, बट अब क्या हो रहा है, अब ये जहाज में जो ना काफी तंग करेगा। अभी कभी वहाँ जा रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी यहाँ आ रहा है। तो इससे क्या होगा, दूसरे लोग जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं। तो अब हमें प्रॉब्लम है बड़ी कि हम इसको कैसे संभालें। मैं दुआ कर रही हूँ कि हमारी बराबर वाली सीट में कोई हो ना, ताकि आप उधर बैठ जाओ, मैं इसको बीच में स्पून से बुला। अगर हुआ तो ऐसा। तो भाई हो चुके हैं पिशावर लैंड और ब्लॉक नहीं बना सके यार डिपार्चर के बाद जहाज के अंदर, क्योंकि यार बादल ने काफी तंग किया हुआ था। और तंग जब करते हैं ना तो उसको संभालने मेरा सारा मूड फिर जो है ना वो व्लॉग वाला नहीं रहता। अब जो है ना वो फटाफट से बैग पिक करना है और डायरेक्ट निकलना भी सवाद के लिए। तो भाई एक ट्रॉली के बैग्स आ गए और अब इस ट्रॉली के बैग्स रह गए। आ गया बैग। अरे भाई आज तो इतना लेट बैग आया है कि इन्होंने यही बंद कर दिया कि मतलब बस ये लास्ट के बैग थे तो अब खुद आके उठा लो। गाइस ये बंदा है, ये 27 साल का है और ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम पिशावर आया। मतलब गुजरा हूँ एयरपोर्ट फर्स्ट टाइम, मतलब पेशावर लोग नहीं आते, लेकिन मैं आपको सच बताऊं पेशावर के लोग जो है ना सबसे ज्यादा हॉस्पिटैलिटी वाले, सबसे ज्यादा। मतलब आप अगर किसी और भी जाओगे ना बोलोगे यार मैं कराची से आया हूं, बोलेंगे सर आई है 1 2 3 बैग गिर जाएंगे। ये मास्क का डांस देख सकते हैं, पेशावर आते ही बदतमीज हो जाते हैं ये। इस तरह मशे गाड़ी है ये और बैग देखो कितने सारे लिए हैं हम लोग भाई, क्योंकि हमने ऑलरेडी 7 सीटर करवाई है, क्योंकि हमारे पास 6 लोग हैं भाई। बड़ी मुश्किल से जो ना बैग्स आए हैं और अभी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें। चारों आगे बैठ रहे हैं और एक बैग जो है ना हम घर पे उतार देंगे, फिर कल सुबह जो है ना वो एक गाड़ी इसको रिसीव करके हमारे रिजॉर्ट तक पहुंचा देगी। तो मैं अपना बैग रखवा दूंगा। क्या करें भाई, हमें तो लग रहा था कि यार ये सारे बैग आ जाएंगे, बट बैग इतने बड़े बड़े हो गए कि हमारा बैग ही नहीं आ पा रहे। सो भाई पहुंच गए। तो भाई मेरा और मास का बैग उतारा जाएगा। इनको कहो उतरो, उतरो बच्चों सारे। अरे यार ये लो, वो लोग बंद आगे से ये वाले निकाल दे बस, अब और सारे जाएंगे। तो भाई बैग जो है ना घर पे रख दिया और अब डायरेक्ट चढ़ेंगे भाई मोटरवे पे। टाइम हो रहा 9:30 और मुझे लगता है रिजॉर्ट पहुंचते पहुंचते ना 12:30 ये 1 तो बज ही जाएगा। थैंक यू। टूल के साइड पे हमने गाड़ी रोक ली अपनी। यहाँ से चित्राल वैली है 276 किलोमीटर, कलाम वैली है 215, मालम जब्बा 167 और सवाद वैली है 150 के करीब। 2 घंटे का सफर अभी भी है हमारे रिजॉर्ट तक का, तो अब हम वेट कर रहे हैं भाई जुड़ी कर लोगों का, यहाँ से वो हमें कनेक्ट कर लेंगे भाई, तो मजा आ जाएगा यार। अब जो है ना हमारा न्यू ईयर मजे का गुजरेगा भाई। बाकी भी काफी ज्यादा वहाँ पर जो है ना वो प्रिपरेशन हो चुकी है और बहुत हद तक प्रिपरेशन बाकी है जो कि आपको वहीं जाके बताएंगे। बाबा का मुन्ना जो है उठ चुके हैं, उन्होंने नींद पूरी कर ली है, अब मुझे लगता नहीं है कि ये रात को सोएंगे। फाइनली
भाई जान पहुंच गया भाई, आपको पता है जब भी आपका भाई आता है तो नेक्स्ट लेवल खुशी होती है भाई। तो भाई पहुंच चुके हैं रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट, और सबसे पहले जो है ना वो खाना खाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा भूख लगी है और रास्ते में हमने कुछ भी नहीं खाया इसी वजह से कि यार रिजॉर्ट पे जाके खाएंगे। तो यस, स्पेशल डिशेज जो है हमने वो ऑर्डर कर दी है ऑलरेडी, सुबह सुबह बन रही है, तो आएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या ऑर्डर किया। स्टार्टर में सबसे पहले आ चुका है भाई सूप, साथ साथ फिंगर फिश आ गई भी हमारे पास, और साथ साथ विंग्स आ गए भाई। सारा ट्राई करना है। यस सारा आ चुका है भाई। अब हमारा मेन कोर्स के अंदर सारी चीजें, कबाब, बोटी और चॉप्स वगैरह, और चावल है नीचे काफी ज्यादा, और साथ साथ हमने पिज्जा भी ऑर्डर किया है। तो भाई सर्विंग जो सबको हो रही है, तो ये आगे जुलकर की प्लेट, अभी जब भी मैं ले रहा हूँ कैमरे में खाते भी ले रहा हूँ, भूख लगी है बहुत। तो साथ साथ भी मेरी प्लेट भी आ चुकी है जिसमें एक चॉप आ गई है, बाब आ गया है, और एक मलाई बूटी। सो यार खा लेने भाई फटाफट से, खाया काफी अच्छे रिव्यू है लोग के भी, खुशी हो रही है बस ये पसंद आया सब कुछ, खाते फटाफट से सुकून मिल गया ना, बस सुकून मिल गया रिव्यू सुनकर भाई। चलो लेके जाओ, शाबाश चढ़ाओ। हाय प्यारू बच्चों, पूरा रिजॉर्ट घूम रहे हो भाई, कब से आयो? बहुत दिनों से। किसका वेट कर रहे थे? आपका। आई थैंक यू। बासिल तुम तो पहले ही आ गया लग रहा है। अप एंड डाउन। तो भाई सबको एक जगह जमा कर लिया है, और अब है बारी एक चीज की जो कि सरप्राइज था। वेट कम, 1 2 3। कैसा लगा? गाइस सरप्राइज दिया हमने। अभी बता कैसा लगा। हैप्पी मैरिज। मैंने 1 2 3। हैप्पी मैरिज, हैप्पी मैरिज, हैप्पी। अच्छा आप लोग की न्यू मैरिज नहीं हुई है, इनकी मैरिज नहीं हुई है, तो एक छोटी अंदर कौन है? किधर है मैनेजमेंट? अरे भाई आप दोनों भी अपना अपना एंजॉय कर रहे हो, ये अच्छा किया ना हमने, इन दोनों बच्चों को भी अपना खेलते कूदते रहेंगे, कमल और जनाब अपना एंजॉय करा करेंगे, और हम सारे लड़के अपना एंजॉय करा करेंगे। सही, हमने कॉम्बो बना दिए। तो इस ब्लॉग का इधर से एंड करते, उम्मीद आपको पसंद आएगा ब्लॉग पर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट 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 कर दो यार, काफी मजा आया भाई लोगों को भी, और हमें भी काफी मजा आ गया। तो अब जो है ना तुम लोगों ने भी आना है, और तुम लोगों ने भी फिर यहाँ पर मजे करने हैं भाई, ठंड में आओ, गर्मियों में आओ, तुम्हारी मर्जी जब भी आओ, लेकिन आना जरूर। हाँ भाई, बाय बाय, लास्ट, टेक केयर, खुश रहो, सब्सक्राइब मस्त कर दो, बटन तोड़ो फोड़ो जो भी करना है, बाय।